क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल डेटा मैनेजमेंट में मेडिकल कोडिंग एक सब सेक्शन या सब डोमेन या सब ब्रांच है। आजकल जब भी स्टूडेंट्स मुझसे क्लिनिकल रिसर्च के कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी करने आते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये क्वेरी भी रहता है कि मेडिकल कोडिंग के बारे में कुछ बताइए, मेडिकल कोडिंग कैसा रहेगा, इसमें बहुत स्कोप है, आप मेडिकल कोडिंग का ट्रेनिंग नहीं देते क्या? जब भी मैं उनको ये पूछती हूँ कि आपको मेडिकल कोडिंग के बारे में क्या पता है, उनको कुछ भी नहीं पता रहता इसके बारे में, बट उनको ऐसे ही जो वायरल या माउथ टू माउथ जो इन्फॉर्मेशन वायरल हुई है, ऑन दैट बेसिस ओनली वो लोग ये बोलते कि मेडिकल कोडिंग में बहुत स्कोप है। इस वीडियो के ज़रिए आपको एक ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आप सोच सकते हो कि आपको मेडिकल कोडिंग में करियर बनाना है या आप बना सकते हो। तो जैसे कि मेडिकल कोडिंग क्या होता है क्लिनिकल रिसर्च में, तो जब भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट की जाती है, सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट में एक रॉ डेटा जनरेट होता है और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं क्लिनिकल रिसर्च के या टूल्स बोलेंगे हम उनको, लाइक जैसे मेडिडेटा, रेव है, इनफॉर्म है, इसमें वो डेटा हम अपडेट करते हैं। तो ये क्लिनिकल ट्रायल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड शुरू है, तो हर एक कंट्री का या जितने भी कंट्री में साइट्स हैं सबका डेटा जब एंटर होता है, तो उसमें जो पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है या पेशेंट का जो एडवर्स इवेंट्स हुए हैं या पेशेंट ने अलोंग विद इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट कॉन्कमिटेंट मेडिकेशन जो लिए है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, या फिर जो सीरियस एडवर्स इवेंट पेशेंट्स को हुए हैं ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इस सब को सब ने अपने अपने टर्मिनोलॉजी में अपडेट किया होता है। मतलब सभी कंट्री का डायग्नोसिस लिखने का पैटर्न एक जैसा नहीं होता, या हम उसको फैशन बोलेंगे, वो एक जैसा नहीं होता है। तो इस सब में अगर सभी कंट्री का या एक कंट्री में भी रीजन वाइज वो अलग अलग हो सकता है, तो फिर इसको जब एनालिसिस किया जाएगा तब ये बहुत मुश्किल होगा। तो डेटा में यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए और एक स्टैंडर्डाइजेशन आना चाहिए, इसलिए क्लिनिकल रिसर्च में उसको कोड किया जाता है। तो क्या डेटा कोड किया जाता है? मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट्स का, एई और एसएई, और जो भी कॉन्कमिटेंट मेडिकेशंस है। कॉन्कमिटेंट मेडिकेशंस वो होते हैं जो इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट के साथ पेशेंट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ होल क्लिनिकल ट्रायल ले रहा है। तो अभी स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स में या रिसर्च में मेडिकल कोडिंग क्या होता है।